अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर कैमटासिया 9 जो स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर है और प्लस आपने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड करनी हो तो इस सॉफ्टवेयर में एडिटिंग उसकी करके बआसानी उसको अपलोड किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर हमने कैमटासिया 9 को किस तरह हमने यूज़ करना है, उसके कितने फीचर्स हैं, उन फीचर्स को कब कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको इसकी ट्रेनिंग देनी है। तो चलें शुरू करते हैं कैमटासिया 9। ये एक मेरे पास एक कैमटासिया 9 स्क्रीन रिकॉर्डर का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो इसका मैं ओपन कर रहा हूँ। या सिंपल अगर इसको ओपन नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल कैमटासिया 9 को भी यहाँ से ओपन करके इसको ओपन कर सकते हैं अपनी इस प्रोजेक्ट को। ये मैं आपको एक मिनट चेक करा देता हूँ। ये कैमटासिया 9 को मैंने यहाँ से ओपन किया और यहाँ से मैंने यही प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया और डबल क्लिक करके मैंने ये सिंपल ओपन कर लिया। तो ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर का मेरे पास इस टाइम प्रोजेक्ट ओपन है कि मैंने एक धावा की एक वीडियो बना रहा हूँ कि धावा का जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के हवाले से उसकी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको किस तरह इंस्टॉल करना है, तो उसके ऊपर ये बना हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये हमारे पास कैमटासिया 9 का मुकम्मल इंटरफेस है और ये हमारे पास नीचे जो आपको ये ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 ये जितने भी यहाँ पे ट्रैक्स आ रहे हैं तो ये हमारे पास टाइम लाइन कहलाती है। तो इस सॉफ्टवेयर में जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारी ये टाइम लाइन ही है। तो इसका मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस टाइम लाइन को। मतलब इसमें हमारे पास सेकंड के हिसाब से या मिनट के हिसाब से यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा होता है और मुकम्मल वीडियो का। इसी तरह आप इसको यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं ट्रैक को, और अगर आपने टाइम लाइन को करना हो तो यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये हमारे पास इस टाइम ये हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है और ये हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो इस चीज़ को समझ लेना है कि जितनी भी आप यहाँ पर ट्रैक्स वगैरह डालेंगे तो उन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको हमेशा राइट साइड पर नजर आएंगे। अगर आपने उनको चेंज करना है, उनको डिलीट करना है, कुछ भी करना है तो वो आपने यहाँ राइट साइड से या सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं, या कॉपी करना चाह रहे हैं उसकी तो आप यहाँ से कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं। और इसी तरह अब सपोज ये हमारे पास एक वीडियो है और मैं इसमें मजीद एक और वीडियो लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं जस्ट वीडियो सिलेक्ट करूँगा और इसमें ड्रैग कर दूँगा। तो ये अब मेरे पास मीडिया बिन के अंदर दो वीडियोज आ चुकी हैं। और अगर मैं इस वीडियो को हमारी वीडियो के स्टार्ट में लगाना चाह रहा हूँ तो इसका आप तरीक़ेकार देख लें कि आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको मूव कर लेना है। यहाँ से मूव करने के बाद आपने सिंपल इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और ट्रैक 2 या ट्रैक 1 जहाँ भी लगाना चाह रहे हैं आप, या अलग से ट्रैक 3 में आप लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको वहाँ पे मूव कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपल बाकी से को सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करके आपने इसके साथ जोड़ लेना है। तो ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से वीडियो हमारी बन जाएगी। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसमें कोई पिक्चर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर इन तीन पिक्चर्स को ऐड करना है तो मैं इन तीन पिक्चर्स को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर सिंपल इनको ड्रैग कर दूंगा। ये देखें,
और इसी तरह अगर मैं इनको टाइम लाइन में लेकर आना चाह रहा हूँ तो वही सिंपल तरीका आपने सिलेक्ट करना है जिस हिस्सों को आप मूव करना चाह रहे हैं और जिन पिक्चर्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं उनको सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पर आप मूव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन पिक्चर्स आ चुकी हैं। और अगर आप किसी पिक्चर का टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसका टाइम बढ़ा सकते हैं, या कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ने इसको वापस सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको वापस अपनी जगह पर मूव कर लेना है। मूव करने के बाद अब ये हमारे पास इस तरह से वीडियो आ चुकी है। और इसी तरह से आप इनको मतलब मुकम्मल साथ लगाना चाह रहे हैं तो आप इनको यहाँ से साथ भी लगा सकते हैं। ये सिंपल मैं इनको यहाँ से डिलीट करने के बाद दोबारा से आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि आपने यहाँ से वीडियो को मूव किया, वीडियो को मूव करने के बाद आपने इन पिक्चर्स को यहाँ से मूव किया और उसके बाद आपने वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को मूव करके आपने साथ जोड़ लिया। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक वीडियो बन गई। तो अब हम इसके अंदर इफेक्ट्स को किस तरह हमने यूज करना है, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जितने भी ऑप्शन आ रही हैं इनको हमने कैसे यूज करना है, इसके तरीकेकार मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपने इस मीडिया को समझ लिया कि इसको हम कैसे और कब और कहाँ यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है एनोटेशन की, इसको हमने यहाँ से सिंपल सिलेक्ट करना है। इसमें ये है कि हमारे पास स्टाइल दिए हुए हैं, जो भी आप वीडियो के अंदर या पिक्चर्स के अंदर आप स्टाइल लगाना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ का, जिस तरह मैं कहता हूँ सपोज मैं ये लगाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो यहाँ से मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इधर मूव कर दूंगा और ये आप इसको राइट लेफ्ट अप डाउन जहां भी आप इसको मूव करना चाह रहे हैं यहां से आप इसको मूव कर देंगे। और इसी तरह आप यहां पे जो भी लिखना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं कहता हूं यहां पर मैंने लिखना है बुचा सॉफ्ट, और इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि राइट साइड पे आपको ये सारी ऑप्शन मिलेंगी। यहां से आपने जैसे इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ये आप यहाँ से साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने दूसरे हिस्से को आपने मूव करना है या क्या कहते हैं आपने इसको कलर उसका चेंज करना है तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से अगर आपने इसकी शेप चेंज करनी हो तो यहाँ से इसकी शेप भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और ये हमारे पास अगर आपने सॉलिड कलर रखना है या ग्रेडियंट का रखना है, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, तो जो आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी की ऑप्शन है कि आपने उसको कितना शो करना है या नहीं करना, और इसी तरह आउटलाइन आप जो लगाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से आउटलाइन उसकी लगा सकते हैं, उसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, थिकनेस यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी तरह इस आउटलाइन की आप ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सिंपल उसके बाद अगर हम यहाँ पर आपने जैसे अगर इसको सिलेक्ट करना है, इसको अगर आपने टाइम बढ़ाना है कि मैं इसको ज़्यादा हिस्से तक लेके जाना चाह रहा हूँ वीडियो के, तो यहाँ से आप जितने भी सेकंड या मिनट तक आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं।
और इसी तरह अगर आप उसके बाद ये आपने मतलब कुछ सेकंड तक आपने इसको चलाना है और उसके बाद सिंपल आपने कोई और इसमें ऑप्शन को यूज़ करना है, या फिर मैं जिस तरह कहता हूँ कि मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पर आएंगे तो ये भी हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगी और यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप वही नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद आपने सिंपल साइज वगैरह जो है वो यहाँ से आप इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह आप टेक्स्ट के हवाले से आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसका कलर वगैरह या दूसरी किसी भी चीज़ को आप चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर को या बाकी चीज़ों को भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ से इसका टाइम वगैरह जो है वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें इसी तरह और भी काफ़ी सारे स्टाइल दिए हुए हैं तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक हमारे पास ये स्पॉटलाइट का फंक्शन है तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्पॉटलाइट कहाँ और कब कैसे यूज़ की जाती है। सपोज आपने किसी हिस्से को हाईलाइट करना हो तो उस सूरत में हमने इसको यूज़ करना है, जिस तरह मैंने इस हिस्से को मैंने हाईलाइट करना है और बाकी हिस्से को मैंने ब्लर यूज़ करना, ब्लर दिखाना है, तो इस तरह से मैं इसको फिक्स कर दूंगा यहाँ पर। और जितने भी हिस्से पर मैं इसको करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं इसको यहाँ तक करना चाह रहा हूँ जी, तो इसको इसी तरह यहाँ से मूव करके यहाँ तक मिलेगा। तो अब ये इतने हिस्से में इस वीडियो में बाकी सारे हिस्से को वो ब्लर कर देगा, सिर्फ इस हिस्से को वो यहाँ पर हाईलाइट शो रहेगा। और इसी तरह आपने अगर उनको सिंपल हाईलाइट शो करना है, हाईलाइटर के तौर पे आपने शो करना है तो इसको आपने यूज़ करना है। और इसी तरह आप बाकी सिर्फ जो दरमियान वाला हिस्सा अगर आपने उसको ब्लर शो करना है और बाकी हिस्से को हाईलाइट शो करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और इसी तरह यहाँ पर अगर आपने कोई स्टार वगैरह लगाना है या राइट का या कोई भी आपने स्केच जो है मोशन की सूरत में अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से मेंशन करेंगे। ये देखें इस तरह से, तो ये मैं जब इस वीडियो को प्ले करूँगा तो फिनिश कर देंगे यहाँ से, ये हमारे पास यहाँ पे स्टार बन गया। और इसी तरह मैं अगर इसको आगे इस बॉक्स को यूज़ करता हूँ और इसी तरह मैं इसका टाइम यहाँ से कम या ज़्यादा करता हूँ तो इसके बाद ये स्टार हट जाएगा और सिंपल यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। इसको अलाउ कर देना है आपने एक्सेस। अच्छा जी, और उसके बाद सिंपल आप ट्रांसलेशंस पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये वीडियोस के इफेक्ट्स या आप किसी भी पिक्चर्स के ऊपर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो इन इफेक्ट्स को आप यूज़ करेंगे, इन ट्रांसलेशन को आप यूज़ करेंगे। तो ये आपने यहाँ पर सिंपल इसको इस तरह से आपने यूज़ करना है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। ये एक सर्कल स्ट्रेच जोन सा है, ये हमारे पास इफेक्ट्स है। इसको मैं किसी भी एक पिक्चर पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं इसको इस पिक्चर्स पे अगर मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लूँगा और जिस पिक्चर पे मैंने इसको अप्लाई करना है वहाँ पर आके मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। और सिंपल अब ये देखें, ये आप यहाँ से जैसे ये देखें तो इस तरह ये बाकी इफेक्ट्स भी इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं, उन सबको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। यानी कि नेक्स्ट जोन्स है, मैं अगर कहता हूँ ये एक स्ट्रेच जोन्स है, इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इस दूसरी पिक्चर के अंदर, तो ये देखें आप यहाँ से
जब मैं इसको यहाँ से प्ले करूंगा तो इस पिक्चर्स के बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है ये देखें आप, उसके अंदर ये यूज हो रहा है। इसी तरह आप इसको वीडियो में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है बिहेवियर्स की। बिहेवियर्स ये भी इसी तरह के इफेक्ट्स हैं, आप इनको वीडियो के अंदर यूज करना चाहें या अगर आप लोगो लगा के उसके ऊपर यूज करना चाहें तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखें यहां से मैंने इसको सिंपल सिलेक्ट किया फर्स्ट वाले को, ड्रिफ्टिंग वाले स्टाइल को, और मैंने इस लास्ट वाली पिक्चर स्पेस को मैंने ऐड किया है। तो अब हम देखते हैं यहां से इसको प्ले करके, ये देखें ये ड्रिफ्टिंग स्टाइल में ही हमारे पास पिक्चर आई है। तो ये भी इफेक्ट्स ही हैं सारे। इसी तरह हमारे पास ये एनिमेशंस की ऑप्शन मौजूद है। एनिमेशन अगर आप लगाना चाह रहे हैं वीडियो के अंदर या आप किसी लोगो के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो वो आप यहां से लगाएंगे। जिस तरह मैं कहता हूं सपोज कि मेरे पास ये जो ऑप्शन है ये बुचा सॉफ्ट, ये जो नीचे लिखा हुआ है मैं इसको कहता हूं कि सपोज ये यहां से टाइटल इसको मैं राइट कर देता हूं। तो यहां से आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहां पे ड्रैग करना है और यहां से इसको आपने वापस ले आना है। तो अब ये आप यहां से देखिएगा, ये देखें ये डाउन और राइट हो रहा है। और इसी तरह अगर आपने यहां से इसको मूव करना चाह रहे हैं, इसका टाइम कम करना चाह रहे हैं, ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। और इसी तरह मैं इसको यहां से अगर रिमूव कर देता हूं तो सिंपल आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है। और अब मैं इसको सपोज सिंपल डाउन करना चाह रहा हूँ, स्केल डाउन करना चाह रहा हूँ, या फिर इसको लेफ्ट टाइटल लेफ्ट पे करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आपने सिंपल टाइटल लेफ्ट को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है और यहाँ से वही सेम ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये इस तरह से अप डाउन होता रहेगा। इनकी पोजीशन आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें। तो ये आप जितने मर्जी इसमें इफेक्ट्स डालना चाहें वो आप टाइम के हिसाब से इंटर कर सकते हैं। ये अप, उसके बाद फिर ये आगे राइट साइड पे जाना शुरू हो गया। उसके बाद आप कर्सर इफेक्ट्स में आएंगे। कर्सर इफेक्ट्स ये तमाम सॉफ्टवेयर जितने भी हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हवाले से कर्सर इफेक्ट्स उनमें सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि हमारा ये माउस का जो कर्सर है इसके ऊपर हमने इफेक्ट्स डालना होता है कि ये हमें किस कलर में नज़र आए और इसका मतलब राइट क्लिक करने पे क्या इफेक्ट हो और लेफ्ट क्लिक करने पे हमारे पास क्या इफेक्ट हो। तो अगर आपने इसका कलर यानी कि यहाँ से कर्सर हाईलाइट करना है तो सिंपल इसको आपने ड्रैग कर लेना है, यहाँ ड्रैग करें या वीडियो पे ड्रैग करें उसका कोई मसला नहीं है। इसी तरह आप इसको मैग्नीफाई आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप मैग्नीफाई भी इसको कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से ये मैग्नीफाई। और अगर आप किसी चीज को मैग्नीफाई को रिमूव करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि तमाम ऑप्शंस आपको हर चीज की राइट साइड पे मिलेंगी, यहां पर मिलेंगी। तो मैग्नीफाई को जिस तरह मैं यहां से रिमूव करना चाह रहा हूं तो यहां से इसको रिमूव कर देंगे। और इसी तरह अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूं तो यहां से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कलर लगाना चाह रहे हैं यहां से आप उसका कलर लगा सकते हैं। और इसी तरह ओपेसिटी आपने कम करनी है ज्यादा करनी है तो ये आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे। और साइज आपने कितना रखना है उसका वो भी आप यहां से यूज करेंगे। इसी तरह सॉफ्टनेस जो सी है वो कितनी होनी चाहिए वो भी आप यहां से यूज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लेफ्ट क्लिक के नाम से, कि अगर आप
कर्सर को यूज करते हुए लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कर्सर की शक्ल कैसी हो जानी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे काफी सारी ऑप्शन, मतलब 6 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। ज्यादातर ये ऑप्शन यूज होती है कि जब भी लेफ्ट क्लिक किया जाता है तो ये कर्सर के ऊपर एक इस तरह से रिंग बन जाता है। तो यहां से मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूं। और इसी तरह आप इस रिंग का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहां से रिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसका साइज आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसी तरह बाकी ऑप्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन का इफेक्ट दिया हुआ है कि वो 1.25 सेकंड तक हो या उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, जो भी है वो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट क्लिक की आ जाती है। राइट क्लिक के ऊपर भी सेम यही ऑप्शन है कि आपने, मैंने वही रिंग ही इस्तेमाल किया है सपोज, तो यहाँ से मैंने रिंग को सिलेक्ट किया और इसका मैंने कलर यहाँ से येलो कर दिया, डार्क येलो, ठीक है। उसका भी नीचे आपको यहाँ से साइज और दूसरी चीजें आपको मिल जाएंगी, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और यहां से आप इसका जूम इन जूम आउट कर सकते हैं वीडियो का। उसके बाद ये है वॉइस नरेशन। ये वॉइस नरेशन बहुत ही एक अहम चीज है कि आपने कोई भी एक वीडियो बनाई और उसमें आप कुछ कहना भूल गए या आपने कोई चीज उसमें अलग से ऐड करनी है, तो वो आप इस वॉइस नरेशन में अपना एक क्लिप रिकॉर्ड करके अपनी इस वीडियो के अंदर आप उसको क्लिप को ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने इस वीडियो के अंदर उस क्लिप को ऐड करके आप कंप्लीट अपनी वीडियो बना सकते हैं, जो आप रिकॉर्डिंग आपसे भूल गई थी या आपने उसके अलावा अपनी वीडियो के अलावा मतलब कुछ और उसमें ऐड करना चाह रहे हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के हवाले से, तो वो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है ऑडियो इफेक्ट्स की। अच्छा, वॉइस नरेशन ये है कि सिंपल आपने स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है, उसके बाद वो सिंपल फाइल सेव करेगा डेस्कटॉप पे और आपने जस्ट उस क्लिप को यहां पर ड्रैग कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपने उसको ड्रैग कर लेना है, सिंपल जितने भी हिस्से पे आप उसको लगाना चाह रहे हैं आप उस हिस्से पे उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियो इफेक्ट्स की। ऑडियो इफेक्ट्स काफी अच्छी ऑप्शन है कि अक्सर लोगों के पास जो माइक होते हैं वो किसी वजह से अगर खराब हो या आवाज सही रिकॉर्ड नहीं आ रही या आवाज का बैलेंस नहीं हो रहा, उनका मतलब आवाज का लेवल सही नहीं हो रहा या बीच में शोर आ रहा है काफी ज्यादा, तो ऑडियो इफेक्ट्स को आप यूज करते हुए आप अपने ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग है उसको आप सही कर सकते हैं। मतलब अगर शोर आ रहा है किसी वजह से तो आप यहाँ से ऑप्शन दी हुई है नॉइस रिमूवल की, इसी तरह वॉल्यूम का लेवल सही नहीं है आपके पास तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको सिंपल आपने सिलेक्ट करना है और अपने ऑडियो का जो क्लिप है उस पर आपने इसको ड्रैग कर लेना है। सिंपल, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है जितने भी आप हिस्से के ऊपर इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास ये राइट साइड पे एक ऑप्शन आ जाती है कि इसका गेन जोन है वो कितने परसेंट आपने रखना है और मिक्स टू मोनो आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और यहां से अगर आप गेन जितना भी बढ़ाते जाएंगे तो आपकी ऑडियो की जो रिकॉर्डिंग है उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होता जाएगा। और यहां से आप कस्टम हाई, मीडियम, लो जो भी आप रखना चाह रहे हैं वॉल्यूम का लेवल वो यहां से आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास विजुअल इफेक्ट्स की आ जाती है। विजुअल इफेक्ट्स, ये कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं कि आप इनको वीडियो के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या पिक्चर्स पे आप इनको अप्लाई करना चाहें, जिस तरह ये हमारे पास ड्रॉप शेडो है, बॉर्डर है, या फिर हमारे पास कलर की एडजस्टमेंट, ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको शो कराएगा। इसी तरह आपको मैं एक डेमो करके भी दिखा रहा हूँ, ये मैंने इसको पहले ही पिक्चर पर अप्लाई कर दिया, तो अगर मैं फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाऊँ तो ये हमारे पास इसका कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ से आप इसका कलर वगैरह, जिस तरह मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जितने भी ऑप्शन होंगी आपको हमेशा राइट साइड पे ही नजर आएंगे, तो यहाँ से आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं या जितनी भी दूसरी सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं।
ये ओपेसिटी है इसकी, ये सारी ऑप्शन दी हुई हैं। यहाँ से आप जिस तरह मर्जी आप यहाँ से सेटिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरएक्टिविटी की ऑप्शन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और कैप्शंस की ऑप्शन है, इसकी भी हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद हम नीचे जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको आप लाजमी समझें कि ये हमारे पास किसी भी चीज़ को अगर आपने कॉपी करना है सिंपल, अगर हमने इसको कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी और सिंपल पेस्ट, बहुत ही आसान मतलब इसका काम है। जिस तरह आप कह लें कॉपी पेस्ट ऐसे ही हुआ जिस तरह आप किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं आगे, तो ये भी सेम वैसे ही हुआ है। और इसी तरह मैं अगर इसको यहाँ से डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये चीज डिलीट हो जाएगी। और इसी तरह से आपके पास जितने भी ट्रैक्स वगैरह होंगे वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे उनको सिंपल, और नेक्स्ट जोन सी है ऑप्शन वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने इसको क्रॉप करना है या यहाँ से परसेंटेज मैंने बढ़ानी है कम करनी है तो यहाँ से आप क्रॉप को भी आप यूज कर सकते हैं वीडियो के हवाले से। और सबसे अहम चीज जो इस सॉफ्टवेयर की है वो ये है कि आप इसको डायरेक्ट यूट्यूब पे अपने ही चैनल पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं, उसके अलावा लोकल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रीन कास्ट जॉन्स है वो आप को भी सपोर्ट करता है, वीमियो को भी सपोर्ट करता है, गूगल ड्राइव पे आप डायरेक्ट इसको अपलोड करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं माई प्लेसिस, और उसके अलावा कस्टम अपनी तरफ से कोई प्रोटेक्शन आप करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो इसमें ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ से लोकल फाइल सिलेक्ट करता हूँ, और लोकल फाइल सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सारे ही फॉर्मेट्स आ जाते हैं कि मैं इसको किस फॉर्मेट्स में इस वीडियो को क्रिएट करूँ। सपोज मैं इसको कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे MP4 ओनली अप टू 1080p करना है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैंने नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट के बाद मैंने इसको लोकेशन देनी है कि मैं इसको कहाँ पर सेव करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूँगा, धावा ओल्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन न्यू के नाम से मैं यहाँ पे फाइल सेव कर रहा हूँ, के बाद सिंपल मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ से, और ऑर्गेनाइज प्रोड्यूस फाइल इनटू सब फोल्डर इस ऑप्शन को यहाँ से आपने रिमूव कर देना है। अगर आप प्ले वीडियो आफ्टर प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं कि आपका जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट हो और ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो तो आपने इस ऑप्शन पर टिक कर देना है, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, और सिंपल यहाँ से आपने इसको फिर फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपने कुछ टाइम वेट करना है क्योंकि ये हमारे पास इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर रहा है MP4 1080p रेजोल्यूशन के अंदर, और हमारे पास डेस्कटॉप पर ही ये फाइल सेव हो रही है। दूसरा मैं आपको कैमटासिया 9 के हवाले से बताता चलूं। कैमटासिया 9 आपको गूगल से या दूसरे काफ़ी सारे सर्च इंजन है वहाँ से आप डाउनलोड करके, या कैमटासिया की अपनी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, और इसमें जितने भी फीचर्स हैं आप उनको ऑन कर सकते हैं आफ्टर परचेज। और इसी तरह अगर आप इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी आ रही है, कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मेरे इस चैनल पर आप कमेंट्स करके, इस वीडियो पे आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो अब तक मैंने YouTube पे मैक्सिमम जो वीडियोस हैं जो मोबाइल्स के अलावा हैं वो मैंने कैमटासिया 9 सॉफ्टवेयर पर ही बनाई हैं, और काफ़ी सारी वीडियोस शुरू में जितने भी इसके ऊपर मैंने अपलोड की हैं
उनके ऊपर कुछ के ऊपर मैंने लोगो वगैरह भी लगाए और कुछ के ऊपर मैंने लोगो नहीं लगाए। अब भी मैं अक्सर वीडियोस के ऊपर लोगो मेंशन नहीं कर रहा, तो आप भी इसके ऊपर लोगो सिंपल उसी तरह आपने लगाना है जिस तरह मैंने यहाँ से कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करना हो, तो वो भी आपने अगर आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में है या पीएनजी फॉर्मेट में है तो ये मतलब इन तमाम फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। आप इसके ऊपर पीएनजी फॉर्मेट्स में भी लगा सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट्स में भी लगा सकते हैं, बीएमपी बिट मैप की भी फॉर्मेट में आप इसको लगा सकते हैं। तो ये 63% या 64% कंप्लीट हो चुका है अब तक, तो कुछ देर में ये मुकम्मल हो जाएगा। ये एक मेरी वीडियो है इसी हवाले से, ये भी मैंने कंप्यूटर के पेज को सिंपल बनाई हुई है। तो चलें चलते हैं इसको सिंपल इंस्टॉलेशन की तरफ। तो यहाँ से आप इसको रन एस एड, मैं इसको फिलहाल क्वाइट कर देता हूँ। तो 74% हो चुकी है, बाकी 25 या 20% कम रहती है। अच्छा, कैमटासिया के लिए अगर आपके पास सिस्टम अच्छा होगा तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन है ये जल्दी हो जाएगी। आपका सिस्टम वैसे तो ये Code2Do पर भी सपोर्टेड है, आपके पास Pentium 4 भी है तो उस पर भी ये रन हो जाएगा, लेकिन जब आप फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस सूरत में ये आप यूं कह लें कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करेगा। तो ये हमारे पास एक वीडियो एक्सपोर्ट होके आ चुकी है और सिंपल मैं इसको यहाँ से प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने इसमें एक वीडियो बनाई थी वो उसका क्या रिजल्ट है और उसके अंदर जो हमने फीचर्स हमने जितने भी एनिमेशंस आप कह लें या इफेक्ट्स आप कह लें जो उसमें हमने यूज़ किए हैं वो उसके ऊपर अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये देखें, ये इफेक्ट्स इस पर अप्लाई हो चुका है, उसके बाद ये भी स्टार्ट हो चुकी है। आज ये आ चुका है, ठीक है, सही है। इसका कंप्यूटर कैमरा वॉच करने हो कैमरा को लेफ्ट को इंस्टॉलेशन का कह रहा है, यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर, मतलब हर कलर ये इसकी ठीक करेंगे, एसएस वीडियो देंगे करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने बाकी हिस्से को ब्लर कर दिया था और इस हिस्से को मैंने हाईलाइट किया था, तो सेम अभी भी वो मुझे इसी तरह दिखा रहा है। तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है। आप अक्सर जब भी आप वीडियोस वगैरह बनाएं और किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं या किसी और चीज पे आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज करें। इससे ये होगा कि जो भी आदमी आपकी वीडियो को देख रहा है तो वो बाकी चीजों के ऊपर मतलब फोकस नहीं कर रहा होता, नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने ही उस काम की चीज को ही समझ रहा होगा जो उसको हाईलाइट आपने किया होगा। पीएसएस में हम चेक मार्क लगाएंगे, उसके बाद सिंपल आप देनी है पासवर्ड। ये यहाँ पर मैंने आपको ये एक स्टार की भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे अनेबल की थी, ये देखें ये स्टार भी बन गया, मतलब ये हर हवाले से कम्प्लीट है जिस तरह मैं इसको बनाना चाह रहा था, ये सेम वैसे ही है। मैं ऑलरेडी Core i5 सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी 8GB रैम है और ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ जनरेशन सिस्टम है, ये i5 फोर्थ जनरेशन सिस्टम है, Core i5 फोर्थ जनरेशन और 8GB रैम, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप खुद एक आइडिया लगाएं कि अगर इस सिस्टम के ऊपर मैंने इस वीडियो को जब मैंने एक्सपोर्ट किया है MP4 1080p के ऊपर तो इसके ऊपर जितना टाइम लगा है वो आपके सामने है, और अगर इससे कम आप सिस्टम लेते हैं तो उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा वो भी आपको एक अंदाजा होना चाहिए। तो कोशिश करें सिस्टम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो ताकि आप जो भी एडिटिंग करना चाह रहे हैं उसमें आपको किसी भी किस्म की दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपको दूसरी भी वीडियोस इसमें मैं बना के दूंगा जो स्क्रीन रिकॉर्डर के हवाले से इस्तेमाल हो रहे हैं सॉफ्टवेयर, या आप एडिटिंग के हवाले से यूज़ कर रहे हैं आप उनको, वीडियो एडिटिंग कह लें, इमेज पिक्चर्स की एडिटिंग के हवाले से आप कह लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।